फतेहाबाद में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर गरीबों को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया गया और बताया गया कि कैसे स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बना जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर को श्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना को शुरू करने का मकसद देश के शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि स्वरोजगार से गरीबों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। फतेहाबाद में इस योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एमएसएमई विकास कार्यालय करनाल के सहायक निदेशक हरपाल सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत कारीगरों को 15,000 रुपए तक की टूल किट और 3,00,000 रुपए तक की राशि 5% ब्याज पर बिना किसी गारंटी के मिल रही है। इतना ही नहीं, मुफ्त प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपए दैनिक भत्ता, विपणन सहायता, प्रमाण पत्र और कारीगर पहचान पत्र प्रदान किए जाते हैं। जो हमारे हाथ के कारीगर है उनको कैसे समृद्ध किया जाए, समर्थ बनाया जाए, उसके लिए जो 18 आइडेंटिफाइड ट्रेड हैं, जो हमारे जिलों में ज़्यादा हैं, जो वो टेलर हैं, मैसन हैं, नाई हैं, इस प्रकार लोहार हैं, बढ़ई हैं, लकड़ी के कारीगर, तो जो भी हाथ से काम करते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल हैं, चाहे गुरु शिष्य परंपरा से हैं, तो उन सभी के लिए ये स्कीम दी गई है। तो इसमें जो पीएम विश्वकर्मा का पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो सभी ने जो भी हमारे इसमें पात्र हो सकते हैं, लाभार्थी हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र के हैं चाहे ग्रामीण क्षेत्र के, वो 18 वर्ष से आयु अधिक होनी चाहिए, उसके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, कोई उन्होंने सरकारी स्कीमों के तहत लाभ नहीं लिया होना चाहिए, तो वो सीएससी सेंटर पे जाके निःशुल्क अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। वहीं इस योजना का लाभ लेने पहुंचे लाभार्थियों ने भी इस योजना की जमकर तारीफ की और बताया कि गरीब बेसहारा लोगों के लिए बेहद लाभकारी योजना है। इससे लोगों को घर बैठे रोजगार से जुड़ने का मौका मिलता है। सर, ये विश्वकर्मा एक स्कीम है जिसके अंदर जो गांव में बढ़ई है, सुनार है या नाई का काम करते हैं, कुम्हार का काम करते हैं, जैसे सिलाई का काम करते हैं, तो वो जो बेरोजगार लोग हैं, जो पैसे की कमी के कारण इधर उधर घूम रहे हैं, वो कोई काम की खोज में घूम रहे हैं, तो सरकार इसके तहत इसको ट्रेनिंग दे रही है आज, और उस ट्रेनिंग के द्वारा ये भी बता रही है कि उनको लोन दिया जाएगा जो बेरोजगार है, ताकि वो अपने काम को सुचारू रूप से चला सके। सबसे बढ़िया चीज क्या है कि ये पीएम विश्वकर्मा योजना है जिसमें लोगों को छोटे जो घरों में रहते हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, जैसे लोहार है, कुम्हार है और टेलर है, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको अपना कारोबार बढ़ाने के लिए सिस्टम बनाया गया है। और इस कारोबार में सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है, शुरू में उसको फाइनेंस देती है, उसको अपना कारोबार बढ़ाने के लिए, अच्छे रोजगार मतलब औजार लेने के लिए बहुत बढ़िया सिस्टम। ये स्कीम है जी, पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, इसमें जैसे कि लोगों ने भी उनको लोन देने के लिए विश्वकर्मा में लगाया गया है। इसमें जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई, जैसे कि नाई हो गए, उनके लिए है, जैसे छोटा कारोबार है उनको आगे बढ़ाने के लिए है, भी आगे बढ़ाएं और वो अपना अच्छा कारोबार चलाएं। हाँ जी, काफ़ी अच्छी स्कीम है जी, इसमें भी जैसे जो छोटे लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए कहा गया। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर हाथ रोजगार देने को लेकर प्रयासरत हैं और इसे लेकर कई योजना शुरू की गई है। कौशल विकास के जरिए अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। सूर्या समाचार के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट।